इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि फार्मा अपने पिता के पास जाता है और उसका पिता फार्मा से बोलता है कि रानी ने हमें बुलाया है, कोई काम आ गया है। और तब फार्मा पूछता है क्या हुआ, तो उसका पिता बोलता है हम लोग रानी की कंडीशन के बारे में यहाँ बात नहीं कर सकते, ये सीक्रेट बात है। उसके बाद फार्मा और फार्मा के पिता जाते हैं महल में रानी से मिलने और उनको पता चलता है कि रानी के लंग बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं और वहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह और काम करने वाले लोग जो रानी को देखने आए हैं। फिर फार्मा और फार्मा के पिता जाके रानी के सामने झुकते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बोलते हैं कि रानी साहिबा हम आपकी तबीयत चेक करने आए हैं। उसके बाद फार्मा देखता है और बोलता है ये रानी है एलिजाबेथ सेकेंड, रानी का नाम एलिजाबेथ सेकेंड होता है। उसके बाद फार्मा का पिता चेक कर रहा होता है रानी की नर्व्स और वो पुराने इक्विपमेंट से चेक कर रहा होता है क्योंकि इन लोगों को नए इक्विपमेंट्स के बारे में नहीं पता है। उसके बाद फार्मा का पिता ब्लड सैंपल लेता है और ब्लड सैंपल भी चेक करता है रानी का और फिर जाके वो बाकी मंत्रियों से बात करने लगता है और बोलता है कि हमको लगता है रानी के पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर फार्मा ये सब बात सुनता है और सोचता है कि हम फार्मासिस्ट अपने आप से इंजॉय करते हैं अथॉरिटी को, तो क्या हम रानी को नहीं बचा सकते। फिर फार्मा का पिता जाता है रानी के पास और बोलता है कि मैं आपको ये दवाई दूंगा, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। ये सब देख के फार्मा सोचने लगता है कि पिता ने रानी को कोई दवा नहीं दी है उसकी बीमारी के लिए, बल्कि एक दवा दी है जिससे उसको राहत मिले दर्द से। फिर फार्मा चेक करता है अपनी पावर से कि रानी को क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी आ गई है रानी को। फिर जब फार्मा अपनी पावर यूज़ करता है तो वो देखता है कि रानी के लंग्स में प्रॉब्लम है और रानी को प्रॉब्लम है कि उसके वाइट डेथ नाम की एक बीमारी है और इसकी दवा बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ के लोगों को नहीं पता है, सिर्फ फार्मा बना सकता है, लेकिन उसका भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर प्रिंस आता है रानी के पास और सामने बैठ के रोने लगता है और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रो रहा होता है रानी के सामने। उसी टाइम उसका बटलर आके बोलता है कि रानी को रेस्ट करने दो, उनको आराम करने दो कि वो जल्दी रिकवर हो सके। ये सब देख के बाकी लोग भी रोने लगते हैं कि प्रिंस रानी के सामने रो रहा होता है कि रानी ठीक नहीं हुई है। ये सब देख के फार्मा को बहुत दुख होता है और फार्मा रानी के पास जाता है और बोलता है कि क्या मुझे आप चांस देंगे आपको ठीक करने का, मेरे पास दवाई है आपके बीमारी की। ये सुन के फार्मा के पिता और बाकी सारे लोग फार्मा को रोकने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि इसकी कोई भी दवा नहीं है। और उसका पिता उसके पास आता है और बोलता है ये कोई भी समय नहीं है मजाक करने का फार्मा। और फिर रानी फार्मा से पूछती है तो तुमको पता है कि मुझे क्या बीमारी है, तो फार्मा बोलता है हाँ मुझे पता है। तो रानी फार्मा से बोलती है ठीक है, और उसके बाद वो अपने मंत्रियों से बोलती है एक मैं डिवाइन आर्ट्स यूज़ करना जानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से यूज़ करना जानती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे किस पर ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये बात सुन के सारे मंत्री राजी हो जाते हैं और फार्मा जाके एक रूम में बंद कर देता है दरवाज़ा अपने आइस मैजिक से और उसके बाद दवा बनाना चालू करता है। दरवाजे के बाहर उसका पिता उसको बुला रहा होता है। फिर फार्मा उस दवा के मॉलिक्यूल्स को याद कर रहा होता है कि ये दवा कैसे बनाई जाए और उसको बनाना भी आ रहा होता है, वो धीमे धीमे बनाना चालू कर रहा होता है। तभी उसका पिता उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है और फार्मा को बुलाता है और बोलता है इस वाइट डेथ की कोई भी दवा नहीं है। तभी फार्मा बोलता है हाँ इस वाइट डेथ की दवा है और मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैं रानी के लिए ये दवा बना रहा हूँ। फिर फार्मा शौक हो जाता है ये जान के कि उसके पिता को बिना किसी के मैजिक के पता चल जाता है कि ये वाइट डेथ है, बल्कि फार्मा ने अपनी पावर्स यूज़ की थी पता लगाने के लिए कि ये बीमारी वाइट डेथ है। और उसके बाद फार्मा के पिता बोलते हैं तुम पेशेंट के बारे में सोचो, अगर तुम उसको झूठी आंस दोगे तो वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में हो जाएगा। लेकिन तभी फार्मा बोलता है कि ये दवाई है और मैं जानता हूँ इस दवाई के बारे में और आपको भी ये दवा लेनी चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि फार्मा के पिता को भी वाइट डेथ की बीमारी है। फिर फार्मा अपनी दवाई दोबारा बनाना चालू करता है अपनी पावर्स को यूज़ करके। तभी उसका पिता
अपनी तलवार पॉइंट करता है फार्मा की तरफ और अपनी पावर्स यूज़ करता है फार्मा की तरफ। और फार्मा अपने पिता से पूछता है कि क्या आप इस जगह को तबाह करना चाहते हैं अपनी पावर से? अगर आप मुझ पे यहाँ हमला करेंगे तो ये जगह तबाह हो जाएगी। लेकिन तब भी उसका पिता फार्मा पे हमला करता है और फार्मा अपने पिता के हमले को डिफेंड करता है और सारे हमले से बच जाता है और अपनी शील्ड लगा लेता है और तुरंत ही एक शील्ड बना लेता है उस रूम के आधे कमरे में जो एक आइस शील्ड होती है और एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको देख के फार्मा का पिता शॉक हो जाता है और बोलता है कि मैं एक और बार पूछता हूँ कि तुम क्या बना रहे हो। फिर फार्मा का पिता एक बुक देखता है जो वहाँ टेबल पे पड़ी होती है, उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जो आज की चीज़ें हैं दवाइयों के बारे में और उस वर्ल्ड में ये सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। आप वीडियो 10 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये एनिमे कैसी लगी। फिर फार्मा का पिता फार्मा के हाथ पे एक मार्क देखता है जो होली मार्क होता है और ये मेडिसिन गॉड ऑफ मेडिसिन का मार्क होता है। फिर फार्मा का पिता अपने सिर पे हाथ लगता है और सोचता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को मिली है मेडिसिन गॉड की ब्लेसिंग। उसके बाद फार्मा बोलता है कि मैं रानी के लिए दवा बना रहा हूँ और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्या आप ये दवा रानी को दे सकते हैं? तभी फार्मा का पिता बोलता है नहीं, तुम ये दवा बना रहे हो तो तुम्हें ये दवा रानी को देनी चाहिए और रानी ने तुम पे अपना ट्रस्ट रखा है। फिर फार्मा वो आइस शील्ड उस कमरे से हटा देता है पल भर में, जिसे देख के फार्मा का पिता शॉक हो जाता है क्योंकि फार्मा का मैजिक है वाटर मैजिक और वो बर्फ़ को जमा तो सकता है, इसको बिलीव करते थे, लेकिन वो हटा भी सकता है उस बर्फ़ को, तो उससे उसका पिता शॉक हो जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि ये वही फार्मा है जो पहले दवाई बनाता था और फिर दवाई के ना बनने पे रोने लगता था। उसके बाद फार्मा अपने पिता की तरफ देख के हंसने लगता है और उसका पिता पूछता है तुम कौन हो? तो फार्मा बोलता है मैं आपका बेटा हूँ। और फिर फार्मा जाता है एक मास्क लगा के दवा लेके उस कमरे में जहाँ रानी होती है बेड पे लेटी हुई, और उसके बाद वो दवा लेके रानी के पास आता है और बोलता है कि ये नई दवा है रानी, और मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ, जब आप ये देख लें फिर आप ये दवा खा सकती हैं। उसके बाद वो जो मिनिस्टर होता है वो फार्मा के पिता से पूछता है क्या तुम फार्मा को ये दवा देने दोगे? तो फार्मा के पिता बोलता है हाँ, ये इसकी कैपेबिलिटी हम लोग से बहुत ही ज़्यादा है और हम लोग इससे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं। फिर फार्मा रानी को एक चीज़ दिखाने के लिए देता है और बोलता है इस चीज़ में हमने आपका ब्लड सैंपल ले लिया है और आप ये देखिए। उसके बाद जब रानी देखती है तो वो माइक्रोस्कोप होता है और वो वाइट डेथ के बैक्टीरिया उसमें घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। इसको देख के रानी बोलती है ये क्रीचर क्या हैं, ये छोटे छोटे कीड़े क्या हैं? तो फार्मा बोलता है ये वाइट डेथ हैं जो आपके खून के अंदर घूम रहे हैं ये कीड़े। उसके बाद ये चीज़ें वो बाकी लोगों को भी दिखाता है जो रूम में होते हैं और वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक होते हैं इस चीज़ को डिस्कवर करते हुए। तो उसके बाद फार्मा बताता है रानी को ये एक छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो वाइट डेथ के हैं आपकी बॉडी के अंदर, ये आपकी बॉडी को अंदर से खा रहे हैं, अगर आपको इन्हें हटाना है तो आपको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा लंबे समय तक, जिससे ये कीड़े आपके शरीर से निकल जाएंगे। और उसके बाद फार्मा रानी को एक गिलास में दवा डाल के देता है और अपने लिए भी वही एक दूसरे गिलास में डालता है दवा की लोगों को लगे ना कि वो पॉइजन कर रहा है रानी को। फिर फार्मा गिलास के अंदर की रखी दवा पी लेता है और रानी भी दूसरे गिलास की दवा पी लेती हैं। और उसके बाद फार्मा बाकी लोगों के सामने आता है और बोलता है कि एक दवाई बन चुकी है वाइट डेथ के लिए और अब लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस बीमारी के लिए, अब इसका समाधान हो गया है। उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं फार्मा की और पूछते हैं कि आपने ये माइक्रोस्कोप कैसे बनाया, आप इसकी विधि बताइए। उसके बाद फार्मा और उसके पिता घर आ जाते हैं और फार्मा के पिता बोलते हैं कि तुम्हारी दवा रानी को बहुत बढ़िया लगी होगी। उसके बाद फार्मा अपने पिता को एक बोतल में दवा देता है और बोलता है ये आपके लिए है, ये आपकी बीमारी के लिए है, इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। फिर फार्मा के पिता बोलता है
तुम मुझसे ज़्यादा बढ़िया मेडिकल डॉक्टर हो। फिर फार्मा बोलता है, नहीं, आज आपकी वजह से मैं अपने पेशेंट के सामने आ सका हूँ, तो आज से हम दोनों साथ में मिलकर पेशेंट का इलाज करेंगे। तो फार्मा और उसके पिता हाथ मिला लेते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फार्मा की फैमिली, उसकी माँ ब्लैंचे, उसकी छोटी बहन और सारे लोग कमरे से घर के बाहर आ जाते हैं और सुबह हो जाती है। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।